दिल्ली की एक गैर सरकारी संस्था ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिसमें अपील की गई थी कि आरोपी पक्ष पीड़ितों को मुआवजा दे। इस सिलसिले में एक समझौता हो गया और 65 लाख के बंटवारे पर सहमति बन गई। दोनों पक्षों के बीच में जो समझौता हुआ था उस पर कोर्ट ने गौर किया और पीड़ित परिवारों को 10 लाख और जीवित को 5 लाख देने पर सहमति बन गई। यू सी दिस इज ए लैंडमार्क जजमेंट, दिस इज आल्सो अनप्रेसिडेंटेड केस इन कोर्ट। ने इस बात पर खास तौर से जोर दिया कि सारे मामले का किसी भी हालत में आपराधिक मामले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उधर आरोपी पक्ष ने भी इस दलील को दोहराया। गरीब लोग की पीड़ा को देखते हुए यह पैसा दिया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम हादसे के लिए जिम्मेदार हैं। बीएमडब्ल्यू हादसे के ठीक 11 महीने बाद पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा देने पर आम सहमति बन गई है। ऐसे में 65 लाख रुपए की इतनी बड़ी रकम उन सभी लोगों के लिए एक सबक है जो सड़क पर गाड़ी चलाते वक्त अक्सर सावधानी नहीं बरतते। वर्तिका नंदा, स्टार न्यूज़।